रेयर और स्केच कैटेगरी के लगभग 14 सिक्के रिसेंटली मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है, लोकल कलेक्टर से लिया है। जैसे ये 5 रुपये का स्टील का सिक्का आज की डेट में स्केच कैटेगरी में है और स्केच कैटेगरी के स्केल में काफ़ी ऊपर की तरफ है। और 1 रुपये का ये सिक्का टूरिज्म वाला, ये आप देख रहे हैं, ये भी आज की डेट में स्केच में है। 10 रुपये का ये सिक्का भी स्केच में है, रेयर में है। और ये पार्लियामेंट वाला, इसके बारे में अलग एक वीडियो है, पूरा डिटेल्स में एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। कोलकाता मिंट का ये पार्लियामेंट वाला सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और प्राइस भी काफ़ी हाई है। और ऐसा क्यों है वो, उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी है, फिर भी अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए एक और है और सारे ही UNC JMUNC कंडीशन में है। 25 पैसे का देखिए 2 सिक्का है, एक है फॉरेस्ट्री वाला और एक जो है वो है एशियन गेम्स वाला हैदराबाद मिंट का, वो भी दोनों ही रेयर में है। एशियन गेम्स वाला जो हैदराबाद मिंट है वो आज की डेट में रेयर कैटेगरी के स्केल में काफ़ी ऊपर की तरफ है। और फॉरेस्ट्री भी कोई भी कंडीशन में हो, 25 पैसे का फॉरेस्ट्री वाला सिक्का वो भी रेयर में है। और यहाँ पर एक सिक्का, ये जो 10 पैसा है, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था 10 पैसे का, ये जो कमोडिटी सिक्का है ये भी आज की डेट में रेयर में है। 10 पैसे का एक और सिक्का है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 5 रुपये का ये सिक्का भी रेयर में है और 1 रुपये के इस सिक्के के बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था। 10 पैसे का ये एक और देखिए, सेफ फॉर डेवलपमेंट वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी रेयर में है। तो 2 सिक्का ये हो गया, एक में सेल करूँगा। 10 पैसे का ये सिक्का एक यहाँ पर मैंने रखा है, दोनों ही देखिए एकदम UNC कंडीशन में है। तो 2 सिक्का मेरे कलेक्शन में हो गया है और भी 2 अलग है, पहले कलेक्ट किया था, तो इसमें से 1 सिक्का मैं सेल करूँगा। तो अगर आप मेरे साथ निमिष पे चैनल में, इंस्टाग्राम में अगर आप हैं, इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं इस सिक्के के बारे में पोस्ट करूँगा। अगर आप उस पोस्ट को देखते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कलेक्टर हैं और 10 पैसे के सिक्के कलेक्ट करते हैं और ये जो सिक्का है आपको UNC कंडीशन में चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। 50 पैसे का एक सिक्का काफ़ी कीमती सिक्का है, इसके बारे में अलग एक मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। और इसके बारे में भी, ये एक सिंगल मिंट सिक्का है 1 रुपये का, ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो है। सिंगल मिंट सिक्का है, स्केच कैटेगरी में है और इसका कीमत धीरे धीरे और भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 1 रुपये का ये सिक्का भी एक कीमती सिक्का है और 10 रुपये का एक और पार्लियामेंट वाला सिक्का, तो 3 सिक्का मेरे कलेक्शन में देखिए हो गया। ये जो सारे सिक्के हैं मैंने लोकल कलेक्टर से लिया है। ऐसे अगर आप कलेक्ट करते रहेंगे तो दोस्तों आप भी फ्यूचर में मुनाफा आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और अगर अभी अगर सिक्के आप सेल करेंगे तो सेल आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कलेक्शन को बचा कर, इसका मतलब है अगर आपके पास 4-5 सिक्के हैं तो 1-2 सिक्के वहां से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास एक कोई भी, चाहे वो रेयर हो या फिर स्केच कैटेगरी के कोई सिंगल सिक्का अगर आपके पास है, तो अभी सेल मत कीजिए और भी 2-4 कलेक्ट कर लीजिए, फिर आप उसे सेल कर सकते हैं। सेल करने का 2-3 तरीका है, एक है फेसबुक, फेसबुक में आप सेल कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। फेसबुक में कैसे आप सेल कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप देखिए एपिसोड 427, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, देखिए 427, इस एपिसोड में मैंने फेसबुक में कैसे आप सेल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश की है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कलेक्शन में कीमती सिक्का, स्केच सिक्का कौन सा है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझसे ज़रूर जुड़िए। आपके कलेक्शन का जो फोटो है, सिक्के का जो फोटो है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे उसका फोटो सेंड कर सकते हैं। अगर आप कीमत जानना चाहते हैं तो मैं कीमत बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो सारे सिक्के हैं, एक एक करके सभी सिक्के के बारे में वीडियो आएगा शाम 7:30 बजे।